हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्न फ्लाई। द लर्न फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले बेसिक मैथ के सिक्स्थ लेक्चर इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। पहले उसका डिफिनेशन समझेंगे, उसके बाद कौन सा नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? हम लिखे हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं इसको अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसको? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। इसका डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस क्या बोल रहे हैं। देखिए, द वर्ड इरेशनल मीन्स नॉट इरेशनल, सो इरेशनल नंबर्स आर डिफाइंड एज द रियल नंबर्स व्हिच कैन नॉट रिटन इन द सिंपल फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, where p and q are integers and q not equal to 0 are known as irrational numbers। बोल रहा है कि irrational number क्या है? irrational number rational number नहीं है, ठीक है? irrational number क्या है? rational number नहीं है। लेकिन क्या irrational number are the defined, मतलब define करता है क्या? real number को। irrational number किसको define करता है? real number को। देखिए, real number को define करता है, which cannot written in the simple form of p by q। लेकिन irrational number को हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक? p का मतलब क्या है? p एंड q का मतलब है इंटीजर्स, ठीक? और q नॉट इक्वल टू जीरो, q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, आर नोन एज इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर को आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसी को कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक? अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में देखिए रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन एंड सो वन, ठीक? हम इसलिए रूट लिए कि देखिए इसका जो वैल्यू आएगा ना, इसका जो वैल्यू रूट टू का वन पॉइंट समथिंग कितना करते करते आएगा, ठीक? एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता है क्या हम लोग का? रूट अंडर फोर का पता है कितना? रूट अंडर फोर का कितना है? इसका रूट निकलेंगे क्या? टू निकलेगा। अगर इसको हम कितना 25 को निकलेंगे तो कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। लेकिन रूट टू और रूट थ्री का आपका वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। हम जैसे 1.2 लिखे, आगे भी नंबर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 करते करते आ सकता है, ठीक है? कोई इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि रूट 4 का निकल सकते हैं, रूट 25 का निकल सकते हैं, रूट 16 का नहीं निकल सकते हैं। रूट 16 का कितना? 4 आएगा, ठीक? लेकिन ये जो 2, 3, 5, इसका वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो इरेशनल नंबर इसलिए इसका एग्जाम्पल लिखा गया है कि इसका जो या ना, इसका अगर इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? देखिए, मान लीजिए हम इसको पी वाई क्यू में लिख दें, मतलब कोशिश करते हैं लिखने के लिए। उठाएगा कितना? वन आएगा कितना? जीरो, जीरो, जीरो। कर सकते हैं? नहीं सकते। लेकिन हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसा है कि अगर मान लीजिए 2, 3 नंबर है, इसको अगर 2 और 3 ले लिए, ठीक? 2 और 3 ले लिए, दो नंबर लिए 2 और 3, इसको पी वाई क्यू में लिख सकते हैं 2/3, ठीक? लेकिन मान लीजिए कि 1.5432 करते करते चलेगा, ठीक? और दूसरा नंबर मान लीजिए 2.344 करते, ये दोनों नंबर को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। और इस टाइप का नंबर हमेशा आपका इसी वैल्यू से मिल सकता है, जैसे रूट के अंदर 2 है 3 है, इसी नंबर से मिल सकता है इस टाइप का वैल्यू, ठीक? और देखिए आप लोग, तो हम रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पहले दे चुके हैं और इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट पहले हम दे चुके हैं। आशा करता हूँ डिफिनेशन आपको समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।